बॉलीवुड में मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक बनाने का ट्रेंड नया नहीं है। अब खबर है कि टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और दिग्गज खिलाड़ी और मौजूदा वक्त में बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की जिंदगी पर, उनकी लाइफ पर अब फिल्म बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म का निर्माण, उसका डायरेक्शन करण जौहर करेंगे और ऋतिक रोशन लीड रोल प्ले कर सकते हैं। आपको बताएं कि जब एक बार इवेंट में सौरव गांगुली से पूछा गया कि अगर आपकी बायोपिक बनती है तो इसमें कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर प्ले कर सकता है, तो उन्होंने सीधा कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन मेरे कैरेक्टर को निभाने के लिए परफेक्ट होंगे। आपको बता दें कि खबर है कि सौरव गांगुली फिल्म मेकर करण जौहर के साथ अपनी बायोपिक के लिए हाथ मिला सकते हैं। वैसे भी पिछले दिनों एक बयान में सौरव गांगुली ने खुलासा किया था कि वे अपने बायोपिक में ऋतिक रोशन को ही हीरो देखना चाहते हैं, और अब जब पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक बनने की चर्चा हो रही है तो ऋतिक का नाम आना भी स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर और सौरव गांगुली के इस मामले में कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। अटकलें हैं कि करण जौहर की टीम लीड रोल की तलाश कर रही है, और इससे पहले एकता कपूर दिग्गज खिलाड़ी सौरव गांगुली की बायोपिक बनाने वाली थी। तो वहीं एक इंटरव्यू में सौरव ने कहा था कि एकता ने उन्हें बायोपिक के लिए अप्रोच किया था, एक बार हमारे बीच बातचीत हुई लेकिन इसके बाद चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। बता दें कि बॉलीवुड में कई खिलाड़ियों की बायोपिक बनी है, महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, पान सिंह तोमर, मैरी कॉम की जिंदगी पर भी फिल्म बनी है। तो वहीं महिला क्रिकेटर मिताली राज की भी बायोपिक बन रही है जिसमें कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस तापसी पन्नू लीड रोल निभा रही है। लेकिन अब अगर सौरव गांगुली की बायोपिक बनती है, क्योंकि ये खबरें तेज हैं कि सौरव गांगुली की बायोपिक जरूर बन सकती है, यानी कि दादा की दादागिरी जरूर दिख सकती है, तो क्या सौरव गांगुली की बायोपिक में ऋतिक रोशन होंगे? आप भी बताइए। दर्शकों से मेरी इल्तिजा है कि आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर दादा का बायोपिक बनता है तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर उनके रोल को अच्छे से निभा सकता है, क्योंकि ऋतिक रोशन का नाम तो सामने आ ही रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।